केंद्र सरकार ने हॉलमार्किंग कानून लागू करते ही गहनों पर HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना अनिवार्य किया है। यह नई हॉलमार्किंग प्रक्रिया ग्राहकों के लिए प्रतिकूल और व्यवसाय विरोधी है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का नागपुर सराफा एसोसिएशन ने कड़ा विरोध करते हुए इसके खिलाफ आज सांकेतिक बंद कर विरोध आंदोलन किया गया है। व्यापारियों द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा दिया गया है। केंद्र सरकार ने हॉलमार्किंग कानून लागू करते ही गहनों पर HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना अनिवार्य किया है। यह नई हॉलमार्किंग प्रक्रिया ग्राहकों के लिए प्रतिकूल और व्यवसाय विरोधी है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का नागपुर सराफा एसोसिएशन ने कड़ा विरोध करते हुए इसके खिलाफ आज सांकेतिक बंद आंदोलन किया है। यह जानकारी नागपुर सराफा एसोसिएशन के सचिव राजेश रोकड़े ने दी। रोकड़े ने कहा कि नागपुर जिले में सराफा की छोटी बड़ी 3000 से अधिक दुकानें हैं। HUID की अनिवार्यता से 90% दुकानों के बंद होने की आशंका है। इसके अलावा आगामी त्योहारों के दौरान गहनों की किल्लत भी महसूस होगी। इस अनिवार्यता के विरोध में केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए और सराफा व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टि से देखने की मांग को लेकर देशभर के सराफा एसोसिएशन द्वारा आज सांकेतिक बंद आंदोलन किया है। 23 तारीख अर्थात पूर्ण भारताचा सराफा, आज भारताचा सराफा बाजार पूर्ण बंद आहे आणि हे एक मतेने सगळ्यांनी बंद केलेलं आहे। त्याच्या मागचं प्रमुख कारण एकच आहे, HUID चा विरोध। या इंडस्ट्रीमध्ये 16 जून 2021 हॉलमार्क मॅन्डेटरी केलं, त्याचं सगळ्यांनी एका मताने स्वागत केलं। कारण की ही इंडस्ट्री एकमात्र अशी इंडस्ट्री आहे जिथे पूर्ण पारदर्शिता ठेवण्यात येतं। सोन्याचा भाव वेगळा, मजुरी वेगळी, सोन्याचं कॅरेट वेगळं, वजन दाखवलं जातं, हिशोब समजवलं जातं, सगळ्याचं ट्रान्सपरन्सी ठेवण्यात येतं। बाकी कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये असं होत नाही आणि या इंडस्ट्रीमध्येच परत घ्यायची गॅरंटी पण आम्ही लिहून देतो। त्याच्यामुळे पारदर्शिता पूर्णप्रमाणे या इंडस्ट्रीमध्ये ऑलरेडी आहे। सरकारने या इंडस्ट्रीला हॉलमार्क मॅन्डेटरी 16 जूनला केला, त्याचा कधीही कोणी विरोध केलेला नाही। परंतु HUID हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर हा 1 जुलै 2021 पासून या इंडस्ट्रीमध्ये थोपण्यात आला। इंडस्ट्रीला कुठेही विश्वासात न घेता हे जबरदस्तीने ह्या थोपल्यामुळे आजच्या तारखेला आमचे जे दागिने आहे ते पहिले हॉलमार्क करताना 4 ते 5 तासात हॉलमार्क व्हायचे, आता त्याला 8 दिवस ते 15 दिवस लागतात। त्याच्यामुळे आमची इन्व्हेंटरी ब्लॉक होत आहे। नंबर 2, आम्हाला कुठलेही दागिने ऑल्टरेशन करता येत नाही, 2 ग्रामची त्याच्यात परमिशन आहे। परंतु मी एक उदाहरण देतो, समजा माझ्याकडे एक नेकलेस असेल 25 ग्रामचा, ग्राहकाचा बजेट 1 लाखाचा असेल, तर 5 ग्रामची आम्ही नेकलेसची मागची चेन काढून विकू शकत होतो, आता आम्हाला ते विकता येणार नाही, अशा कितीतरी अडचणी। HUID की जानकारी देते हुए रोकड़े ने कहा कि हॉलमार्क अनिवार्य करते समय सेंटर में 100 गहनों के लिए 5 घंटे लगते थे। अब HUID के आने के बाद छोटे बड़े गहनों पर 6 आंकड़ों का डिजिटल कोड अंकित करने के लिए 7 से 15 दिनों का वक्त लग रहा है। गहनों के यह कोड BIS के पोर्टल पर हॉलमार्किंग सेंटर को डालना पड़ रहा है। यह प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली है। हर जिले में 5 से 6 सेंटर शुरू होने के बाद HUID लागू करने की मांग सराफा व्यापारियों ने केंद्र सरकार से की थी, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। एसोसिएशन ने कहा कि सराफा व्यापारी हमेशा से हॉलमार्किंग के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा नए नए कानून लाकर उन्हें तंग कर रही है। HUID इसी का प्रकार है। 6 आंकड़ों का डिजिटल कोड पोर्टल पर डालने में हॉलमार्किंग सेंटर को काफी वक्त लगेगा। इससे बाजार में गहनों की किल्लत महसूस होगी। इसका असर ग्राहकों सहित सराफा व्यापार पर होगा। सराफा कारोबारियों को पहले ही काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में हर जिले में 5 से 6 सेंटर शुरू होने तक HUID अनिवार्य नहीं करना चाहिए, इसी मांग के साथ आज शहर के सराफा व्यापारियों द्वारा सांकेतिक बंद आंदोलन किया गया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।